चलो, सो दिस इज आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग, एंड लास्ट वन वाज एल्डिहाइड। ओके, लास्ट वन एल्डिहाइड। हम लोग को रिकॉर्डिंग बार बार देखना चाहिए, इट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। नाउ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बोथ आर मिक्स्ड वन, बट यू हैव टू सी आईयूपीएसी नेमिंग। ओके, सो आईयूपीएसी नेमिंग के लिए अगेन बाय वेलकम बैक टू सरोज ट्यूटोरियल, सरोज ट्यूटोरियल फॉर द केमिस्ट्री, सरोज ट्यूटोरियल फॉर केमिस्ट्री। नाउ प्रीवियस टॉपिक वॉज एल्डिहाइड, तो इन ब्रीफ आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड वॉज एल्केन। नाउ ए एल इज द सफिक्स। इफ यू आर टेकिंग वन कार्बन देन दिस वन इज मिथेन अल। If you are taking two carbon, so this is called as ethanol. If you are taking three carbon, so this is propaneol. कल हम लोगों ने देखा था। So till now, highest priority is given to aldehyde. Is like this one. Numbering must be given from. भाई मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा लेवल गिराने से अच्छा है तुम लोग अपने लेवल को उठाओ। इफ यू वॉन्ट टू क्रैक एनी एग्जाम प्लीज रेज योर लेवल, रेज योर लेवल। ओके, क्योंकि कॉम्पिटिशन वाला तुम्हारे घर पे आकर के ये नहीं पूछने वाला है कि पेपर कैसा सिंपल बनाऊं या टफ बनाऊं। डेफिनेटली वो तो टफ ही बनाएंगे ना। एंड नीट एंड आईआईटी इज नथिंग बट दिस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, नीट एंड आईआईटी इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो इफ वांट टू नंबर एंड नेम द कंपाउंड, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, so this is 2, 4 dimethyl, butane yani butane al. Yes, it should be 3, 2, 3। ठीक, आप सब लोगों को समझ में आने लग गया। वेरी गुड, तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन इज कीटोन्स। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला। जस्ट ब्रीफ रिविजन कल का। नाउ कीटोन इज हैविंग जनरल फॉर्मूला लाइक दिस वन। आर का मतलब है देयर शुड बी कार्बन, एंड व्हाट इज द आईयूपीएसी नेमिंग, एल्केनोन। एल्डिहाइड में क्या लगाता था, ए एल, अभी क्या लगाया यहाँ पे, ओ एन ई। For example, left side must be carbon, right side must be carbon, means for ketone there must be minimum 3 carbon. Okay, because suppose you are writing this one. Now this become aldehyde, na? This is ethanol,
दिस इज इथेनल. तो फॉर अ कीटोन अल्काइल ग्रुप मस्ट बी अराउंड सीओ डबल बॉन्ड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कीटोन. हाउ मेनी कार्बन? 3. प्रॉप यानी एन, उसके आगे ओन लगाओ. प्रोपेन, ओ एन ई, प्रोपेनोन. प्रोपेनोन डाई मिथाइल ब्यूटेनल नहीं श्रावणी, दिस इज कीटोन. सो दिस इज ब्यूट यानी ब्यूटेन. इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू आर राइटिंग टू ओन. वाई? इट इज क्लियर इन दिस एग्जाम्पल. CH3 पोजिशन ऑफ सीओ मस्ट बी रिटन. ओके, ओन. ये देखो, सो ऊपर वाला इज पेंटेन 3-ओन, और यू कैन राइट 3-पेंटेन-ओन. पेंटेन 3-ओन. मैत्रेय इज राइटिंग 3-पेंटेन-ओन. करेक्ट वन, नो डाउट. ओके, अनुष्का बोलो, तुमने हाथ उठाया है. सर, हमने हाँ जो पहला कीटोन का एग्जाम्पल लिया है प्रोपेनोन, हाँ उसमें हमें पोजीशन नहीं लिखने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, देर इज नो रिक्वायरमेंट, बिकॉज इफ सीओ इज प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन बिकम एल्डिहाइड. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मस्ट भी क्या होना चाहिए? कार्बन, तभी कीटोन होगा, अदरवाइज इट विल बिहेव एज एल्डिहाइड. इफ इट इज प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन विल बिहेव एज एल्डिहाइड. अनुष्का, यस सर, अनुष्का के, अनुष्का जे, यस सर, आ गया समझ में. सीओ ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन लाइक दिस वन, बट इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट एट स्टार्ट और एंड कार्बन, अदरवाइज इट विल बी एल्डिहाइड. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, लेफ्ट साइड इज कार्बन बट राइट साइड इज हाइड्रोजन, दिस बिकम एल्डिहाइड. 1, 2, 3, 4, दिस बिकम ब्यूटेनल. दिस बिकम ब्यूटेनल. ओके, चलो देखो सभी लोग ऐसा.
अब तो बार बार लिखने से प्रैक्टिस हो गया होगा। मिथाइल इथाइल ये सब। नाउ एवरीवन इज फैमिलियर आई थिंक। फोर कॉमा फाइव डाइमिथाइल हेक्सेन टू ओन, वेरी गुड। आर्या कोल्टे, वेरी गुड। दर्शन, वेरी गुड। स्नेहल, अबिदा, साक्षी, रितायन, सब लोगों के करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने बोला मेरा लेवल गिराने से अच्छा है तुम लोग अपने लेवल को उठाओ। दोज हुआ प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, उनके लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल इज हाईएस्ट वन। सही, दिशा, मैत्रेयी, सबके करेक्ट है। ऐश्वर्या, प्रणव, वेरी गुड। तुम लोगों के नीट में, सॉरी, दोज हुआ प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, थोड़ा सा भी मैंने अच्छा किया, मेरी गारंटी है 99% की। नाइन्टी नाइन परसेंटाइल के ऊपर कम से कम नहीं तो 15 से 20 लोग हमारे पास रहे। दूसरी कोचिंग में 96-97% आने पे पूरा बैनर लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था ना यार। दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, हेक्सेन टू ओन, सब लोग के सही है। अब नंबरिंग, हाँ स्नेहल बोलो, हाथ उठाया है। नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम राइट सिंस किटोन इज प्रेजेंट। ओके, ग्रुप इज प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप इज गिवन मोर प्रेफरेंस देन द साइड चेन। नाउ फोर इज मिथाइल एंड फाइव इज मिथाइल, सो 4.5 डाई मिथाइल हेक्सेन टू ओन, दिस इज कीटोन। ओके, हाँ एक्सक्यूज मी सर, या जो पहली वाली स्लाइड है ना वो 1 मिनट दिखाओ। बोलो। हाँ, वो जो कीटोन लिखा है ना उसके उसके नीचे प्रोपेनॉन है, तो फिर वहां 2 प्रोपेनॉन नहीं आ सकता क्या? यू कैन राइट पेंटन, पेंटेन टू ओन और टू पेंटन ओन, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। हाँ, प्रोपेनॉन फर्स्ट एग्जाम्पल आफ्टर कीटोन। हाँ, दैट इज प्रोपेनोन ना। या हाँ, बिकॉज मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स इन कीटोन मस्ट बी 3, दैट्स हाँ व्हाई आई एम हाँ राइटिंग ओके ओके डायरेक्टली फाइन प्रोपेनोन। ओके सर, टू अंडरस्टूड कार्बन कीटोन इज नॉट एग्जिस्टिंग। ओके। ओके, हम्म, अनुष्का जी, अनुष्का जी, यस, इज इट क्लियर? नो, इट इज नॉट रॉन्ग दर्शन, इट इज नॉट रॉन्ग। इन प्रोपेनोन इफ यू आर राइटिंग टू प्रोपेनोन इट इज नॉट रॉन्ग वन। ओके, दिस इज नॉट रॉन्ग वन इफ यू आर राइटिंग टू प्रोपेनोन और प्रोपेन टू ऑन।
but this is the minimum number of carbon. This is understood. If less than 3 carbon is there, then ketone will not exist. Now this is double bond. This is double bond. Tell me. So this is cyclohexanone. ये देखो क्यों वन तो यहीं पे है ना जहां पे ग्रुप है. Now what about this one lower compound? Numbering must be 1, 2, 3, 4, 5. That's why it is 4-methylcyclopentanone. Excuse me, sir. Yes. Sir, why didn't we start the numbering from the other side in the 4-methylcyclopentanone? 4-methyl? If we start from the other side, the numbering will come from 3, right? Yeah, but functional group is given more preference. CO is the functional group. CO is the functional group. Snehal, bolo, numbering yes. Should be on the other way, no? Then it should be 3-methylcyclopentanone. Okay, for this one, yes, sorry, extremely sorry. Yes, that is correct one. So that is what I was saying. Okay, no problem. Okay, minimum position, na? Yes, definitely. Yes, sir. Yeah, sorry. This is 3-methyl. इसका मतलब हम लोग को समझ में आने लग गया. थोड़ा सा ये देखो अभी मैंने बनाया नहीं था. चलो देखता हूं मैं कौन सही करके देता है मुझे. चलो मैं बता दूं नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एल्डिहाइड. राइट. वेरी गुड. हाउ दिस इज बिहेविंग एज व्हाट? टच नहीं है जब पिछले. दिस इज बिहेविंग एज अ साइड चेन. दिस इज द प्रिंसिपल ग्रुप. दिस थ्री ग्रुप प्रेजेंट एट 3 दैट इज कीटोन नाउ बिहेविंग एज अ साइड चेन. तो एक मैं बता देता हूं तुमको. व्हेन इट इज बिहेविंग एज अ साइड चेन ना नाउ इट इज कॉल्ड एज कीटो. क्या बोलेंगे? कीटो और ऑक्सो. तो मोस्टली यू विल गेट ऑक्सो. मोस्टली यू विल गेट ऑक्सो. बोलो आईयूपीएसी नेमिंग. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस. व्हिच वन? दिस द करंट वन. यस व्हेन कीटोन इज बिहेविंग एज अ साइड चेन इट्स नेमिंग विल बी ऑक्सो. जस्ट लाइक व्हेन अल्कोहल इज देयर इट इज कॉल्ड एज एल्केनॉल. बट अल्कोहल इज बिहेविंग एज अ प्रीफिक्स is called as hydroxy.
ओके ओके टू साइक्लोपेंटाइल दर्शन थ्री ऑक्सोपेंटेनल इज करेक्ट वन. कहां पे गलती करने वाले हैं सभी लोग? साइक्लोब्यूटाइल लिखेंगे. अनुष्का जोशी आई डोंट अंडरस्टैंड थ्री कीटो और थ्री ऑक्सो. सी व्हेन इट इज प्रिंसिपल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एज ओन. व्हेन इट इज बिहेविंग एज अ साइड चेन इट्स नेमिंग बिकम ऑक्सो. प्रिंसिपल ग्रुप इज दिस वन एंड दिस वन इज साइड चेन. When it is behaving as a side chain, its name become oxo or keto. Okay? जैसे तुम्हारा कुछ तो नाम होगा ना घर में. Yes, two groups are present. One is aldehyde, one is ketone. Ketone is given highest priority. Ketone is given highest priority. How do you have the difference? Since देखो भाई, बोले कैसे difference पता चलेगा? बाबा एल्डिहाइड इज हैविंग सी एच ओ ग्रुप. वन साइड इट इज हैविंग एच. व्हाइल कीटोन इज इन बिटवीन द चेन. व्हाइल कीटोन इज ऑलवेज इन बिटवीन द चेन. लेफ्ट साइड कार्बन राइट साइड कार्बन. ओके सो नेमिंग विल बी टू साइक्लोपेंटाइल दिस इज नॉट ब्यूटाइल एंड देन थ्री ऑक्सो के बाद पेंटेनल. अनुष्का कुलकर्णी इज सेइंग व्हाई इट इज पेंटाइल. ऑल ज्वाइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग कार्बन बेटा. ये देख वन ज्वाइंट टू थ्री फोर फाइव है ना. जानबूझ करके मैंने लिखा है ऐसा. सो दिस इज फाइव कार्बन एल्केन नॉट फोर कार्बन एल्केन. शैल आई प्रोसीड टू नेक्स्ट वन? यस वेरी गुड. Reva, is there any problem? No, sir. Not at all. No doubt. Very good. Very good. Why it is cyclopentyl? It is five carbon. Number of carbons are five. Number of carbons are five. See, it is written like this one. Aisa tha. Take. नंबरिंग करो. ये हुआ ना ज्वाइंट. ऑल द ज्वाइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग कार्बन. हो गया. सो दिस इज फाइव कार्बन साइक्लोपेंटाइल. ओके नाउ नेमिंग ऑफ कंपाउंड ऐसा. अनुष्का जे दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन. दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन. कीटोन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. ओके सो नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम राइट साइड सिंस सीओ ग्रुप इज नियरर टू राइट साइड. Sir, I have joined actually. Yes. I have joined. What is the problem? Sir, I am Aditi. I have joined. You have joined one? Yeah, because our bio class has been cancelled. Okay.
See, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexane 2, 4 dione. Very good, Ritayan. Arey wah, most of them are writing correct one. Vedang, no hexadione. That is for alkene or alkyne. Pranav correct, Darshan correct. Very good, very good. So this is hexane 2, 4. Dione. Dione. किसी को लग रहा है क्या dione होगा? Just like English plural. Why it is dione? Two ketonic group are there, Anushka. Okay. Two ketones are there. Two ketones are there. Just like diol in the previous one. Okay. I think you must be enjoying chemistry now, or still it is headache? Is it headache? Yes. Very good. Very good. Yes, enjoying. Very good. So please write down the name. Yes, very good, very good. Everyone is enjoying. I'm extremely happy. Kisi ko bhi doubt hoga, please go to my video. This video you can see n number of times. I will not remove it. I will not remove it. Okay. So numbering must be 1, 2, 3, 4. So this is 3-cyclohexyl methyl butanol. Arre wah. So many one has written right one. Wow, bhai, sab logon ne correct likha hai. Sab logon ne correct likha hai. Sab logon ne correct likha hai. Arre wah. Now I'm happy. Really, I'm happy. Really, I'm happy. Bhai, is there anyone who is getting problem still? सिद्धि बोले नो प्रॉब्लम. तो हम लोग को इसका मतलब है कुछ कुछ समझ में आने लग गया. वाह, अब सब लोग मुझे चॉकलेट देंगे तब. अरे प्रणव बोला है नो, चॉकलेट नहीं देंगे. और चॉकलेट के नाम पे एल्पेनलीबे भी नहीं ला करके देना है, ठीक है ना. सो दिस इज एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड एंड कीटोन. Aldehyde and ketones. Oh, no problem के लिए. मुझे लगा no chocolate. चलो भाई, let us come to next functional group. Next functional group. Till now highest priority is given to aldehyde. Aldehyde, aldehyde के बाद ketone, ketone के बाद alcohol, alcohol के बाद ether,
ईथर के बाद डबल बॉन्ड लाइक दिस वन. ओके आई विल प्रोवाइड सीनियरिटी प्रेफरेंस चार्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप डेफिनेटली. ओके डोंट वरी. श्रावणी बोल रहे हैं एस्टर का करना है. एस्टर को करने से पहले मैं बेटर है कि मैं एसिड कर लूं. ओके एसिड. चलो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड. सोचो तुम लोगों ने सब एक बार किया हुआ है इन टेंथ क्लास. दूसरी कोचिंग में टेंथ क्लास में जैसा किया है वैसा ही सी एस थ्री सी एस टू करते रह जाएंगे. यस अनन्या दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एच. दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ओके नो इथेनोन. इट इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन. ईथ मतलब टू कार्बन ओनली. एंड आई यू पी एस सी नेमिंग एज एल्केन. ई हटा दो. नाउ बिकम ओइक एसिड. एल्केनोइक एसिड. एल्केनोइक एसिड. यहां पर जो इसका कॉमन नेम होता था कॉमन नेम. एसीटोन. इसका कॉमन नेम क्या था कल देखा होगा. फॉर्मल्डिहाइड. इस वाले का कॉमन नेम क्या था. एसीटल्डिहाइड. ठीक बोलो वेदांग हाथ उठाया है. इफ दिस वन इज कंटेनिंग ओनली वन कार्बन. इथेनोन. सी वेदांग इज सेइंग व्हाई इट इज नॉट इथेनोन. इथेनोन इफ यू आर टेकिंग डेफिनेटली क्या हो जाएगा. वन साइड हाइड्रोजन आएगा ही आएगा. देन इट विल नॉट बिहेव एज अ कीटोन. देन इट विल नॉट बिहेव एज अ कीटोन. ओके वेदांग. So this is one carbon. One carbon का मतलब था methanoic acid. First word capital, बाकी सभी small. What is common name? Formic acid. पहले क्या होता था? Those chemical substances which are derived from the source के नेमिंग पर हम लोग नेम कर देते थे. तो फॉर्मिक एसिड इज नथिंग बट डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मिका. एंड व्हाट इज द फॉर्मिका. फॉर्मिका इज नथिंग बट एंट्स. वेरी गुड. फॉर्मिका एंट्स को बोलते थे हम लोग. ओके हाँ वेदांग स्टेट व्हाई इथेनॉन इज नॉट एग्जिस्टिंग बिकॉज एटलीस्ट यू रिक्वायर्ड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कार्बन. ना राइट साइड इट इज नॉट हैविंग कार्बन. दैट्स व्हाई इट इज नॉट कीटोन. सो टू कार्बन कीटोन डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ इफ यू आर हैविंग दिस वन प्लीज टेल मी नेम.
इथेनोइक एसिड, इज देर एनी प्रूफ, क्या बोल रहे हैं वेदांग, इज देर एनी प्रूफ फॉर इट इन आवर सिलेबस फॉर विच यू आर सेइंग वेदांग, वेदांग अभी भी इथेनोन के ऊपर लगे हुए हैं, उनका मैं पहले क्लियर कर देता हूं भाई। चलो बोल वेदांग, वेदांग बोल, मैं तुझे अनम्यूट कर रहा हूं। यस एक मिनट, एक बोल वेदांग, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? इथेनोन एग्जिस्ट नहीं करता है, इथेनोन यानी कीटोन, कीटोनिक ग्रुप के लेफ्ट साइड, कीटोनिक ग्रुप के राइट साइड मस्ट बी प्रेजेंट कार्बन। नहीं, मैं पूछ रहा था कि ऐसा कोई लाइक प्रूफ है क्या कि इन क्वेश्चन आंसर्स दैट प्रूव दैट इथेनोन डज नॉट एग्जिस्ट, लाइक या सपोज इट इज सेइंग प्रूव दैट इथेनोन इज नॉट एग्जिस्टिंग, सो राइट दिस वन ना। ओसो गिविंग गिव एग्जांपल्स एंड यस गिविंग बाय एग्जांपल यू आर सेइंग कि इफ यू आर टेकिंग टू कार्बन लेफ्ट साइड विल बी कार्बन बट राइट साइड इज द हाइड्रोजन। Okay, so we don't have to write para definition and all that. Only yes, you have to examples. Write the statement only, huh? Huh, only statement. Yeah. Thanks. Now, this one is ethanone. And niche wala is? Sab logo ne correct likha hai. Sorry, not own. This is oic acid. इथेनोइक एसिड, फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल प्रोपेनोइक एसिड। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एसिड इज हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल फंक्शनल ग्रुप, जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जितना हम लोग पढ़ने वाले हैं। Among all functional groups, COOH is the highest priority. COOH is the highest priority. Okay, Anushka, Anushka K, Anushka J. Now, what is the naming? Tell me. Yes, highest priority is given to acid. उसके बाद सब लोग के नंबर आएंगे. 2-methylpropanoic acid. Ishan Darshan is correct. Vedang correct. Isita correct. Mrunal correct. Snehal correct. Pranav correct. Snehal no dash line. रितायन करेक्ट, अभिदा करेक्ट, अनन्या, निदिता, रेवा सब करेक्ट। हाउ टू राइट द प्रॉप, आई विल गिव द आईयूपीएसी रूल है बाबा। ओके, प्रायोरिटी इज गिवन बाय आईयूपीएसी, हम लोग अपने से डिसाइड नहीं करेंगे। वाह भाई, श्रावणी, ऐश्वर्या, ईच एंड एवरीवन इज करेक्ट, आदित्य कुलकर्णी। नाउ आदित्य है ज्वाइन टू लेट बट ही इज करेक्ट। आदित्य को सब समझ में आ रहा है, इसलिए आदित्य हमारा मुंह मीठा कराएंगे एक चॉकलेट से, कैडबरी के साथ। ओके आदित्य के भाग नहीं जाना है। बहुत सारे मेरे पास मिठाई आने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के 90% के खूब ऊपर आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में।
Yes, I will give the priority. I will give the priority today itself. Okay? I will give the seniority chart. Jaldi bolo sabhi log, please. अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, एवरीवन इज करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट, अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। तुम लोग किसी भी कोचिंग वालों के स्टूडेंट के हवा निकाल सकते हो। 1, 2, 3, 4, सो दिस इज 2, 3, 3। ट्राई मिथाइल एंड ब्यूटेन ओइक एसिड, ओके, ब्यूटेन ओइक एसिड। ये देखो, यस, नेम प्लीज। ओजस 7 लिखे हैं, क्या है ओजस? ओजस ने 7 लिखा है, बोलो क्या प्रॉब्लम है ओजस? अच्छा, 7 नंबर ऑफ कार्बन्स यू वांट टू से एंड 2, 3, 4, 5, 6, 7। अर्चित इज राइटिंग। यस करेक्ट, जल्दी से नेम बोलो। आर्या, आर्या बोलो, कहाँ पे नहीं आ रहा? अदिति पी, अनन्या, फोर इथॉक्सी, नॉट इथॉक्सी, दिस इज मिथॉक्सी, 5-हाइड्रोक्सी करेक्ट, 3,3-डाइमिथाइल इज करेक्ट, हेप्टोनाइक, दर्शन ने लिखा 5-हाइड्रोक्सी 3,3-डाइमिथाइल, अरे वाह। No, no, this is not own, this is not own, in any case this is not own, और लिखो जल्दी जल्दी सब लोग लिखो। यस वेरी गुड, अदिति, प्रणव, दर्शन, अभिदा, ग्रेट 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 ग्रेट, श्रावणी करेक्ट, सो दिस इज नाउ आई एम राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग, प्लीज मैच विथ मी, सो दिस इज 5-हाइड्रोक्सी
देन फोर मिथॉक्सी फोर मिथॉक्सी के बाद 3.3 डाइमिथाइल हेप्टेनोइक एसिड. ओके डाइट्राई इज नॉट द अल्फाबेट ऑर्डर. नेमिंग मस्ट बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर. लाइक डाइमिथाइल में M is given preference, not D is preference. Okay? कल ही बताया था. Yes. श्रावणी, अनुश्री, निदिता, मैत्रेयी, काले. Okay. alphabetical order is given preference. Okay, alphabet order, and in alphabet ditri is not counted. Like dimethyl, D is not counted, M is counted. So this is acid is the highest priority. Acid is the highest priority. अमाइन हमने करा दिया है क्या? Have I finished amine? No. Okay. No problem. That's why I am omitting this one. Now tell me, fast. Numbering must be from Anushka, J, yes, must be from right. Wow. 1, 2, 3, 4 ke baad kya jaun? Where should I move? Left, right, up and down. Yes, downward. I must move downward because highest number of carbons, the chain. Now tell me the name. Tell me name fast. Ishan has written the name 2-hydroxyhexanoic acid. No dash line between X and Y. Yes, my voice. क्या करना चाहिए? मुझे सबको एक बार mute करके. Okay. My voice is still doubling. Yes or no? No, okay. तो मैंने mute कर दिया सबको. Now the name will be
br is coming first, starting from b. Two bromo. Two hydroxy. Four comma four. Dimethyl. Hexanoic acid. Okay. No, you cannot consider 5-6 as ethyl. First decide longest chain, principal group, then after maximum number of carbon. Okay, if you are writing 5 here, then it will behave as a side chain. But why you are writing 5 if there are 6 carbon? Okay. Now, please write down the name. I don't think this is tough one. Just you have to accumulate them. Hai na? Whatever we have studied till now, please accumulate it. See, this is hydroxy, just like water hota na, hydra. Ishan and Vedang is saying the same thing. Hydroxy ko hydrol kyun nahi likhte? Bhai IUPAC, ab kya kar sakte? Yes, it is Cl. Yes, it is Cl. प्लीज मैच कराओ सभी लोग, या मैं वेट करूं एक मिनट? सब लोग लिख रहे हैं. आर्या, आर्या कुल्टे. Hept 3 enoic acid is? Yes. Arya, in ka position must be written. In is present at which carbon? In is present at which carbon, Arya? Ananya, you have not included in. Abida, it should be hex 3 in oic acid. 3 oic ka matlab? Yes, Srikant is correct. Vedang is correct. Swarali is correct.
Anushka, it will be better if you are writing hex 3 own, because 3 is for in or 3 is for oic. It is not clear. Sravani is correct. Sravani is correct. Nidhita is correct. Pranav, correct. Very good. Maitrey, yes. Wow. सब लोग सही लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6. सो दिस इज 3-chloro. This is 5-ethoxy. Then 2-cyclo. Pentyl. Then important word is hex. हेक्स के बाद 3-ene ओइक एसिड, बट ए ई आई ओ यू एंड वाई होता है तो ई रिमूव हो जाता है. अनुष्का याद है? त्रिशा, यस, वेरी गुड भाई, सब लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड. यस, साइक्लो सी विल कम फर्स्ट, नो प्रॉब्लम. सो लेट अस मूव टू some other functional groups also, that is called as ester. You have already studied in 10th class ester, already studied in 10th class. This is nothing but R C O O, जहां पे H होता था. Now replace H by R. R is alkyl group. R is alkyl group. So what must be the name? This is called as alkyl. एंड वॉट इज द नेम ऑफ दिस वन जहां से एच हटा दिया जाए? ऊपर लिख रहा हूं राइट से, देखो दिस वन ओइक, ओइक, दिस इज एल्केनोएट. कौन सा है एल्केनोएट? इज दिस वन. So IUPAC naming is mix them both one alkyl alkanoate, alkyl alkanoate. Okay, so oic acid ki jagah pe become oate. Right. This one. अगर तुमने इसको expand किया ऐसा,
दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल एंड दिस इज कॉल्ड एज टू कार्बन इथेनोएट. ऑल कार्बन मस्ट बी काउंटेड. यस मिथाइल नॉट मिथेनोएट इट मस्ट बी इथेनोएट. C will come first. Cyclo. Ditri is not counted, but cyclo is counted. Somebody yes. Okay. So next one is CH3 COO C2H5. अल्काइल ग्रुप विच इज अटैच विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बाद वाला इज अल्काइल. ओके इट डजंट मीन इट इज स्मॉलर और बिगर. नो मीनिंग ऑफ बिगर और स्मॉलर. आफ्टर ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अल्काइल. सो दिस इज इथाइल. Ethanoate. Yes, everyone is correct. Wow. Bolo jaldi se fast. Now, what must be the naming? Methyl. प्रोपेनोएट. भाई तुम लोग का एक बुक रेडी हो जाएगा अगर ये सब लिख दिया तो. अरे वाह सब लोगों ने करेक्ट लिखा है. सब लोगों ने करेक्ट लिखा है. सब लोगों ने करेक्ट लिखा है. Now this one. Abida is saying how it is methyl. Yes, one carbon. CH3, methane se become methyl. Okay, Abida. Everyone is writing 2-methyl-methyl-propanoate. 1,2-dimethylpropanoate. Swarali is saying. Rita and 2-methyl. Why it is 2 times? No, it's wrong one. 2 is not the time. 2 is the position. Okay, Anushka? Everyone is 100% क्या
बोलो, एवरीवन इज 100% रॉन्ग रॉन्ग। देखते हैं क्यों। सी इफ यू आर राइटिंग टू मिथाइल, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड? दिस इज अल्काइल एल्केनोएट, दिस मस्ट बी अल्काइल एल्केनोएट। डाइमिथाइल इज रॉन्ग वन, डाइमिथाइल इज एनी टाइम रॉन्ग। सो फर्स्ट राइट अल्काइल, अल्काइल इज मिथाइल। ओके, नाउ दिस मिथाइल इज द साइड चेन ऑफ दिस वन, इज साइड चेन ऑफ दिस वन, सो दैट मस्ट बी रिटन बिफोर दिस वन। एल्केनोएट इज प्रोपेनोएट, दिस इज साइड चेन ऑफ एल्केनोएट, दिस इज साइड चेन ऑफ प्रोपेनोएट। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या लिखा है? अल्काइल मस्ट बी रिटन फर्स्ट, अल्काइल मस्ट बी रिटन फर्स्ट। तो अल्काइल इज रिटन फर्स्ट, अल्काइल इज दिस वन। After oxygen must be written first. After oxygen must be written first. देखो, after oxygen must be written first. That alkyl is not the side chain. Okay. See, OH propanoate. What I am saying? Alkyl must be written first. Alkyl must be written first. So alkyl, which is after oxygen, must be written first. Okay. And this methyl is the side chain of alkanoate. This is the side chain of propanoate. So side chain must be written before propanoate. Yes, I can give the similar example, definitely. But is it clear? Is it clear? Is it clear? Swarali, yes. Anushka Joshi, no. No problem, no problem. Anushka, whatever is written after oxygen will be written first. Take. Whatever is written after oxygen will be written first. So that must, this methyl must be written first. Okay. And this particular methyl is side chain of propanoate. That's why it is written before propanoate. If you are writing 2-methyl and methyl, it means that 2-methyl is the side chain of methyl. See what I'm saying. See, please. This is not H. First, naming of this one, I will explain each and everything so that your concept become clear. First, after oxygen must be written first. Propyl, then after 2-methyl. And 3-carbon propanoate. Is it clear right now?
नाउ सपोज सेम एग्जाम्पल विथ डिफरेंट इंटेंसिटी भाई, इतना तो किसी तुझे बुक में ना मिलेगा, किसी भी बुक में ना मिलेगा। फर्स्ट थिंग, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट, बट आफ्टर ऑक्सीजन कार्बन्स मस्ट बी रिटेन फर्स्ट। बट दिस इज नॉट द स्ट्रेट चेन, दैट्स व्हाई 1, 2, 3 must be written. 2-methyl, 2-methyl, propyl. After that, इधर भी 1, 2 पे आएगा, 2-methyl. This is 2-methyl. Then propanoate. अब समझ में आया? Right side का पहले करना है, उसके बाद के कार्बन्स को देखना है। अब तुम्हें ऐसा 2,2 डाइमिथाइल नहीं लिख देना था। Now tell me everyone, is it clear or not? I think is it clear right now? प्रणव पैठंकर, ठीक है मैंने देख लिया, तुम्हारा घर बहुत अच्छा पेंटेड है, वीडियो बंद करो। बोलो भाई, इज देर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? इज देर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? अनुष्का जे बोल बेटा, अनुष्का जे हाँ, प्रणव बोलो, अनुष्का जे इज देर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो अल्काइल ग्रुप विच इज रिटेन आफ्टर ऑक्सीजन मस्ट बी रिटेन फर्स्ट। सर व्हाट इज द सीनियरिटी विथ अदर फंक्शनल ग्रुप? मैं अभी सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा हूँ, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। ये लो, हाइएस्ट COOH, कॉलेज कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तुमने नहीं पढ़ा है इसलिए तुम्हें नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड। ओके, इसलिए मैं नहीं दे रहा था। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एस्टर। ओके, एस्टर के बाद एज RCONH2 कॉल्ड एज अमाइड, कल देखूंगा। इज कॉल्ड एज COCl एसिड हैलाइड, कल देखूंगा। ठीक है ना? देन CHO एल्डिहाइड, देन कीटोन, ऑलरेडी देख लिया है। OH, OH के बाद इज ईथर,
ठीक है ना? तो ऐसे रहेगा फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी चार्ट। तो मैं इसको कल और भी पूरा जब हो जाता है तो ज्यादा मैं समराइज करके दूंगा, अभी क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हुए ही नहीं। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज COOH, हाईएस्ट प्रायोरिटी COOH, अभी बहुत सारे ग्रुप्स बचे हुए हैं। यस ईथर, एथर, ईथर है, अभी अमाइन है, साइनाइड है, बहुत सारे ग्रुप्स बचे हैं। तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा जब हम लोग पढ़ लेंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं एट द सेम टाइम, ओके? तब तक के लिए बाय बाय, ओके बाय, थैंक यू सो मच। किसी को भी डाउट हो तो मुझसे डायरेक्टली पूछेगा और मैं इमीडिएटली पोस्ट कर देता हूं अभी का। Abida is saying, sir, if we explain the ester group, we get two different functional group, ether and ketone. Nahi. I will explain it again, okay? Abida. Okay, sir. Dono mila karke ek mein hi rahega, okay? Okay, sir. Haan.